हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा सभी पे बरसे, सभी लोग लाइफ में खुश रहें, मेहनत करें, आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर करके मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, स्क्रीन में UPPSC मीन्स यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आपको पता है कि यूपी में बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, हर एक स्टेट में होते हैं, लेकिन इस बार कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आया है UPPSC पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। तो लगभग आप यहां पर देख पा रहे होंगे लगभग कितने वैकेंसी है मेरे दोस्त। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 132 वैकेंसी। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी स्टूडेंट को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। 132 वैकेंसी कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं। आपको बस इसमें एक सीट चाहिए और चांसेस बहुत ज्यादा है। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ मेहनत करना पड़ेगा और आपके मेहनत को सफल बनाने के लिए हम लोग कल से ही नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेज। जो एग्जाम होने वाली है, जो डेट अनाउंस हो चुका है, इसके एग्जाम आगे चल करके होने वाली है और इसका प्रॉपर हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है कल से। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं सोचे हैं इसके बारे में, सोच लीजिए, ठीक है ना। बीटेक एंड एमटेक वाले बच्चे इसमें एलिजिबल रहेंगे। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ अपने मन को बनाए रखे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सभी को पता है सरकारी नौकरी मीन्स लाइफ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है ना, और एक अच्छा खासा सैलरी। तो सैलरी भी बहुत जबरदस्त है। 132 वैकेंसीज हैं, जो कम नहीं होता है पूरे यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस के अंदर। मैं बाकी ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में इतना बड़ा वैकेंसी बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है ना। और सिलेबस बहुत ही कॉन्साइज है। आपने जो बीटेक में पढ़ रखा है उसी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा गेट लेवल का पढ़ना है, ठीक है ना। उसी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना है और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होकर के पढ़ना है। मींस आपके हिंदी में भी थोड़ा अच्छे नॉलेज होने चाहिए क्योंकि हिंदी के भी पेपर्स होंगे, और टेक्निकल जो सबसे ज्यादा मायने रखता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसकी पूरी गाइडलाइन आपको दी जाएगी, ठीक है ना। आपका लाइक रिटन टेस्ट के लिए भी एज वेल है, जब आप रिटन टेस्ट निकालते हो तो इंटरव्यू गाइडलाइन भी आपको आगे चल करके दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त कंप्यूटर साइंस में फिर बहुत कम चांसेस में देखने को मिलता है। तो सोचना नहीं है, कल से ही हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। इसको लेकर करके सभी लोग कमर कस लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जंग लड़ना है। क्या करना है मेरे दोस्त? जंग लड़ना है, और इस जंग में आपको बस 3 से 4 महीना हमारा साथ देना है। एंड डेफिनेटली अगर आपने थोड़ा सा भी अपना डेडिकेशन दिखाया, जितने भी बीटेक पास आउट एंड एमटेक पास आउट वाले बच्चे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो बने रहिए, और इसके ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे लाइक वेबसाइट में जा सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं गेट एकेडमी, वहां पर हमारे वेबसाइट में आप एंटर कर सकते हैं, और वेबसाइट में एंटर करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, एज वेल एज आप लाइव ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव ऐप पे भी सारा का सारा गेट एकेडमी लाइव ऐप करके लाइक आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बने रहिए, कल से मिलते हैं सभी लोग। ओके, सो बाय, जय हिंद।